कुछ दिनों पहले ही क्षेत्र क्रमांक 3 में विधायक आकाश विजयवर्गीय का एक मामला सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने अधिकारी को बल्ले से मारा। यह मामला काफी तूल भी पकड़ा, लेकिन अब मंत्री तुलसी सिलावट के समर्थकों ने जो व्यवहार किया है उससे साबित होता है कि पार्टी कोई भी हो, ये अपनी करनी से बाज नहीं आएंगे। जी हाँ, तुलसी सिलावट के जन्मदिन पर रेसिडेंसी क्षेत्र में बैनर फ्लैक्स लगा दिए गए थे और इनको जब हटाने के लिए नगर निगम की टीम गई तो उनके साथ न केवल गाली गलौज की गई बल्कि धमकी भी दी गई कि तू रात में अकेला घूमता है ना तो ऐसे में जिंदा रह पाएगा क्या। समर्थकों ने नगर निगम के अमले पर देर तक पत्थर फेंके, कुछ ने कर्मचारियों की कॉलर पकड़ पकड़ कर धक्का मुक्की भी की। कुछ समर्थक निगम उपायुक्त महेंद्र सिंह चौहान से भी विवाद करने लगे। बाद में नगर निगम कर्मचारियों ने बैनर फ्लैक्स जब्त किए। उल्लेखनीय है कि कमलनाथ सरकार ने ही कैबिनेट में निर्णय लिया था कि होर्डिंग बैनर पोस्टर्स अवैध तरीके से लगाए जाने पर जुर्माना वसूल किया जाएगा। इस बैठक में तुलसी सिलावट खुद भी मौजूद थे। ऐसी स्थिति में सवाल इसी बात का है कि उन्होंने अपने समर्थकों को मना क्यों नहीं किया या जो नियम बनता है उस नियम के अनुसार उन्होंने अनुमति क्यों नहीं ली। इधर तुलसी सिलावट का कहना है कि मैं शहर से बाहर हूं, बैनर पोस्टर हटाना नगर निगम का काम है, विवाद की क्या वजह रही इसका पता कराऊंगा। इधर नगर निगम के कमिश्नर ने कहा है कि घटना की रिपोर्ट मांगी गई है, यदि मारपीट की गई तो ऐसा करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।